हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग विला मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक uh, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है मेस्टोडाइटिस फ्रेंड्स मेस्टोडाइटिस आप नाम से ही कुछ थोड़ा सा समझ में आता है कि आइटिस लगा हुआ है यानी कि यहाँ पे हम इन्फ्लामेशन यानी कि किसी इन्फेक्शन की बात करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन डेफिनेशन देखेंगे इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस बिहाइंड द ईयर एंड ऑफ द एयर स्पेस कनेक्टिंग इन टू दी ए कैिटी ऑफ मिडल ईयर दोस्तों आपने मेस्टोइड सुना होगा या पढ़ा भी होगा हमारे जब भी ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं ईयर्स के अनोटमी ईयर्स के हमारी नॉटमी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मेस्टोइड बोन होती तो दोस्तों मेस्टोइड से समझ में आता है कि मेस्टोइड बोन है और आईटी से समझ में आता है इन्फ्लामेशन तो नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये क्या है इन्फ्लामेशन है ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस मेस्टोइड प्रोसेस यानी कि उसी बोन की जो प्रोसेस है कहाँ पे है बिहाइंड द ईयर एंड द ईयर स्पेस कनेक्टिंग इट टू दी कैविटी ऑफ मिडल ईयर तो दोस्तों यहाँ पे इंफ्लॉमेशन की बात की गई है मेस्टोइड प्रोसेस की जो कि कहाँ पे है बिहाइंड द ईयर और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है एयर स्पेस जो कि क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं इसको टू द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर मिडल ईयर की कैविटी से कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों ये तो हुई हमारी डेफिनेशन यहाँ इसकी इमेज भी दिखाई गई है दोस्तों कि मेस्ट्रॉइड बोन कहाँ है या फिर मेस्ट्रॉइड जो भी स्पेस है इन्फेक्शन किस तरीके से दिखाई दे रहा है और स्वेलर एरिया कैसा है ईयर टर्न कैसे हो जाता है फॉरवर्ड आगे की तरफ से तो ये सब चीज़ें हमें दिखाई गई है मो की कंडीशन दिखाई गई है ब्लैक एंड वाइट इमेज है उतना आपको समझ में नहीं आएगा आ, मैं समझती हूँ लेकिन ठीक है जो आपको मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको ज़रूर समझ में आएगा देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या हैं कॉजेज़ हैं हमारे इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर इंजरी ऑफ मेस्टोयड बोन एंडसर्स यानी कि मिडल ईयर में इन्फेक्शन होना ठीक है उसकी वजह से मेस्टोइड हो, हो जाता है मेस्टोराइटिस हो जाता है मेस्टोइड बोन में कोई इंजरी हो जाती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से जैसे कि रहेनाइटिस सेनाइटिस और रिलेटेड टू जैगोमा फ्रैक्चर जैगोमा फ्रैक्चर की वजह से भी ये काजेज़ हो जाता है देन देखेंगे साइन इन सिम्टम्स में क्या क्या था हमारा ओटालजिया, ओटालजिया दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा या पढ़ा होगा ईयर फेन ओटालजिया बोलते हैं स्वेलिंग ऑन मेस्ट्रॉयड बोन मेस्ट्रॉयड जो बोन है वहाँ पे स्वेल्व हो जाता है जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा लॉस ऑफ हियरिंग सुनना भी कम हो जाता है सीवियर पेन एट हीयर ईयरिंग सॉरी ईटिंग टाइम जब भी हम मतलब क्योंकि प्रोसेस वहीं पे होती है मेस्टोडा मेस्टोराइड बोन हमारी जो कि uh, इसमें इंक्लूड है अगर वो मूव करती है कुछ भी होता है खाते टाइम तो क्या होता है वहाँ पे पेन महसूस होता है हमें बहुत ज़्यादा पेनलेस डिस्चार्ज फ्रॉम दी इफेक्टेड एरिया ठीक है डिस्चार्ज हो जाता है डिस्चार्ज इन द सेंस वहाँ पे कुछ भी फ्लूड होगा या फिर पस वगैरह का डिस्चार्ज होने लग जाएगा बट तो वहाँ पे पेन नहीं होगा पेनलेस होगा नोज़ वॉमिटिंग फील होगा इंक्रीज इंट्रा क्रैनियल प्रेशर और ऑट्राहौरिया प्रिलेंट डिस्चार्ज में भी ऑर्डरलेस और, और फाउल स्मेलिंग ठीक है डायग्नोस्टिक की में देखेंगे दोस्तों मेस्ट्रोइड बोन है ऑब्वियसली एक्सरे करेंगे सीटी स्कैन भी कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे हम खुद से भी चेक कर सकते हैं और एमआरआई भी प्रेफर कर सकते हैं पैथोफिजोलॉजी में हम देखेंगे किस वजह से होता है कोई भी दोस्तों इन्फेक्शन की वजह से होता है ये इसमें एक्यूड ओटाइटिस मीडिया भी इंक्लूड होता है ठीक है उसके बाद क्रोनिकोटाइटिस मीडिया देन क्या होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है मैस्ट्रोडाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे मैनेजमेंट में हमारे पास है मेडिकल मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट तो हम सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में इसमें एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जैसे कि स्टेरॉयड ईयर ड्रॉप फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि इसमें क्या है आ, सिप्लॉक्स डी सिप्लॉक्स डी दी हुई है ईयर इरीगेशन कर सकते हैं ऑफ कोर्स कर सकते हैं वहाँ की क्लीन कर सकते हैं फॉर रिमूविंग प्लूरेंट डिस्चार्ज जो भी वहाँ एक्सेस डिस्चार्ज हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए अनार जैसे ड्रग दे सकते हैं जैसे कि एस्प्रीन एंडोसो निमोसलाइड निम्बोसलाइड भी हम दे सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में दोस्तों अगर हमारे पास ऑप्शन रहता है तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं मेस्ट्रोयटॉमी टॉमी से आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या है वहाँ पर रिमूवल हो रहा है ठीक है सर्जिकल रिमूवल कर देंगे मेस्ट्रॉयड बोन का up yeah. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आता है दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं ओवरऑल हमारा जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है बहुत रिलेट करता है अगर एक यूनिट को उठा लेते हैं तो उसमें ओवरऑल जितने भी टॉपिक होते हैं तो बहुत रिलेट करते हैं तो अगर आपको आ, सभी को एक बार में कवर करना है तो मेन मेन पॉइंट हर चीज़ का उठाइएगा बाकी एक आ, अपना फॉर्मेट बना लीजिएगा कि ये क्योंकि हमें एग्जाम में मेन क्या होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में हाईलाइट करने होते हैं कुछ चीज़ें तो उनको आप अपना उसका एक फॉर्मेट बना लीजिए जैसे कि नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है हाई रिस्क ऑफ इंटरव्यू Infection related to tissue destruction and chronic disease. Uh, pain related to physical factor. Uh, uh, fa sorry, factors uh, altered auditory sensory perceptions related to uh, partial total uh, perforation. टिम्पेनिक मैम्ब्रेन इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू हीयरिंग डेफिसिट हाई रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू बैलेंस डिफिकल्टीज ठीक है दोस्तों तो ये हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट हुआ फ्रेंड्स एक बार में हम दोबारा से अपने ए, इसको जो भी टॉपिक हमने पढ़ा उसको हम एक बार दोबारा से हम क्या कर लेते हैं एक बार ओवरव्यू मेस्ट्रोडाइट क्या होता है दोस्तों मेस्टाडाइटिस मेस्ट्रोडाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्ट्रोइड बोन इसके कॉजेज़ क्या होते हैं दोस्तों इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर और या फिर मेस्ट्रोइड बोन में कोई इंजरी हो गई हो ठीक है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन भी हमारे इसके कॉजेज uh, हो सकते हैं सिम्टम्स में क्या आता है दोस्तों स्वेलिंग हो सकती है लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है सीवियर पेन हो सकता है बिना देखे बोलिएगा दोस्तों हम यहाँ पे रखते हैं अपने कैमरा को और आप बिना देखेंगे बोलेंगे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उसके बाद डायग्नोस्टिक इवेल्यूवेशन कैसे कर सकते हैं है? हम इसमें ऑब्वियसली बोन में इसमें प्रॉब्लम है तो हम इसमें एक्सरे वगैरह सी स्कैन एम फिजिकल एग्जामिनेशन तो हम हर चीज़ में करते ही करते हैं पैथोफिजोलॉजी में ये किस वजह से होता कोई भी इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया होता है फिर उसके बाद क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया होता है फिर उसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है मेस्टोडाइट इसमें में कन्वर्ट हो जाता है तीन तरीके के इसमें मैनेजमेंट बताएंगे दोस्तों मेडिकल मैनेजमेंट में हम इसमें स्टेरॉयड ईयर ड्रॉप दे सकते हैं जैसे कि सिप्लोप्लॉक्स एंड ईयर इरीगेशन कर सकते हैं जो भी एक्सेस डिस्चार्ज वगैरह होता है उसको क्लीन कर सकते हैं एनालजेसिक्स दे सकते हैं जैसे कि एस्परिन हो गया निमोसलाइड्स हो गया उसके बाद सर्जिकल में, में मेस्टोडोक्टोमी कर सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों जो भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उससे जो भी रिलेटेड होंगे चीज़ें वो हमें आ, असेस करनी होगी और मैनेज करनी होगी और पेन होगा क्योंकि उसको अगर सर्जिकल मैनेजमेंट अगर कोई भी और नहीं भी करती तो अभी इसको पेन रिलेटेड फिजिकल जो भी फैक्टर्स है, uh, हैं उनको रिमूव करना होगा अल्टर्ड ऑडिटरी सेंसरी परसेप्सन्स ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी और जो भी वर्बल uh, कम्युनिकेशन है uh, uh, क्योंकि हियरिंग डेफिश प्रॉब्लम होगी तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा तो ये सब चीज़ आती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट तो दोस्तों तो ये था हमारा आज का टॉपिक मेस्टोडाइटिस oh, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा एंड हमारे पढ़ाने का तरीका भी कैसे लगा और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि अगर आपको कोई और क्वारीज़ हो कोई और टॉपिक कोई इंटरेस्टिंग को, मतलब कुछ भी ऐसा आपकी बी uh, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी मेल आई डी मुझे मैसेज uh, भी कर सकते हैं मेल कर सकते हैं एंड मेरे और भी चैनल है जैसे कि वुमेंस हेल्थ और नर्सिंग पूजा व्लॉग के नाम से भी मेरा एक चैनल है जिसमें मैं अपनी डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालती हूँ अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो आप उन पर भी जाके विजिट कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी थैंक यू दोस्तों बाय बाय